नमस्कार, मैं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चौक इलाके में अगर आप जाएं तो आपको पगड़ीधारी 70 साल के जगजीत सिंह धारीवाल मिलेंगे। धारीवाल कड़ाके की सर्दी से लेकर भीषण गर्मी तक के मौसम में जाम में फंसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। जीवन के 7 दशक पूरे कर लेने के बाद भी धारीवाल का जज्बा कम नहीं है। वह रोज पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी पहरेदार की तरह चौक पर खड़े होकर रोजाना सैकड़ों लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने वाले धारीवाल ट्रैफिक पुलिस में नहीं है और न ही उन्हें इस काम का कोई मेहनताना मिलता है। प्रयागराज के चौक इलाके के रहने वाले जगदीप सिंह धारीवाल ने जब यह काम शुरू किया था उस समय उनकी उम्र महज 40 साल थी। बीते 30 साल से वह इसी परमार्थ के काम में लगे हुए हैं। भीषण गर्मी हो, ठंड हो या बरसात, अगर सड़क पर जाम लगा है तो जगजीत सिंह फौरन जाम हटाने के काम में जुट जाते हैं। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह धारीवाल हमेशा तैनात नजर आते हैं। बताते हैं कि धारीवाल ने एक बार ट्रैफिक जाम की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला को सड़क पर दम तोड़ते हुए देखा था। तभी उन्होंने तय कर लिया था कि ट्रैफिक जाम से थमे यातायात की वजह से किसी की सांसें नहीं थमनी चाहिए। इसके बाद से ही वह ट्रैफिक मैन के इस काम में जुट गए। ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर हो गए। धारीवाल के पास कानून की डिग्री है, वह भी विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जगदीप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री हासिल की है। उन्होंने शादी नहीं की है और अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया है। जीवन यापन करने के लिए वह एक छोटी सी चप्पलों की दुकान चलाते हैं। 70 साल के बुजुर्ग धारीवाल कहते हैं कि वह जो भी कर रहे हैं उनसे ऊपर वाला यानी कि भगवान करवाता है। जगदीप सिंह की इसी नेकी की वजह से पूरा इलाका उन्हें सम्मान देता है। सोशल वर्क है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जनता का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। किसी का एग्जाम है, किसी का हॉस्पिटल जाना है, किसी की नौकरी है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, ये अगर जाम में फंसा रहेगा तो यहीं फंसा रह जाएगा। इसलिए हमको हेल्प करनी चाहिए, ये हेल्पिंग नेचर है, बाकी निस्वार्थ सेवा है। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी 70 साल की उम्र है, आपको घर में आराम करने के फिर भी कोई सड़ी गर्मी में नहीं, सड़ी गर्मी में कुछ नहीं होता, ये भगवान की इच्छा है। और जो लोग भगवान के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनकी भगवान स्वयं हेल्प करता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम में इतनी धूप में खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रयागराज की सबसे घनी आबादी कहे जाने वाले चौक इलाका ट्रैफिक जाम से हमेशा जूझता रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद जाम की समस्या से राहगीरों को निजात नहीं मिलती। ऐसे में यह 70 साल का बुजुर्ग अपने जज्बे के जरिए हर वक्त लोगों को जाम से छुड़ाता नजर आता है। इनके इसी काम की राह से गुजरने वाला हर शख्स तारीफ करता है। ये बहुत ही सराहनीय काम है, इस एज में इस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय काम है, भगवान उनको और उम्र दे। बहुत अच्छा काम है ये, लगता है ये आराम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर रहते हैं, ये बात तो है। सड़क पे जिस उम्र में लोग घर में आराम करते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जाम ना लगे, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत ही अच्छा काम है। जीवन के इस आखिरी पड़ाव में जगजीत सिंह इंसानियत की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। अपने जीवन में पाए सभी डिग्रियों को किनारे रख कर वह इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं। बताते हैं कि उनका चयन राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी कि NDA में भी हुआ था, लेकिन अकेला बेटा होने के चलते उनकी माँ ने उन्हें जाने नहीं दिया। जगजीत सिंह जनसेवा में अपने योगदान को लेकर कई बार पुरस्कृत किए जा चुके हैं। शासन प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जयदीप सिंह धारीवाल जी जो है स्वतः में एक जो कर्तव्य निष्ठा के और कर्मयोगी की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी अपनी दुकान है, लेकिन जैसे भी देखते हैं कोई अवसर आता है, त्यौहार है या कोई मेला है या कोई आयोजन है या चुनाव है या ट्रैफिक की कोई समस्या आती है, सड़क पर आ जाते हैं। और ये पहले आकर के खुद ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, उसमें जो पुलिस के लगे हुए कर्मी हैं सहयोग करना उनका, और उसके बाद ब्रीफिंग भी करते हैं, क्योंकि पहले से इनके काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो इनके हर आयोजनों की जानकारी भी रहती है। और इसके लिए ये वहाँ पे एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी मौजूदगी काफ़ी सहयोगी और कारगर साबित होती है।